नहीं होता, कभी चिंता में नहीं। हां, भक्त चिंतन में रहता है, चिंता में नहीं। जिसको बहुत चिंता हो रही है, और चिंता भी कैसी, सांसारिक चिंता, धन की चिंता, व्यापार की चिंता, बच्चों की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, प्रॉपर्टी की चिंता, पत्नी की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता। अच्छा, एक और बात कहें, अत्यंत विषय भोगी लोग भी ऐसे ही होते हैं। बहुत सावधानी से सुनो, कोई आए जाए आप बस हमको देखो। अत्यंत विषय भोगी लोग वो भी ऐसे ही होते हैं, उनको भी किसी की चिंता नहीं होती। पूरे दिन पी के पड़े रहते हैं, पूरे दिन बस उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं, उनको भी किसी की चिंता नहीं होती, न बच्चों की चिंता, न परिवार की चिंता, न किसी की चिंता। पर कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा तो पूरी कर रहे हैं, वो अपनी चिंता तो कर रहे हैं कि हमको पीनी है, हमको खाना है, हमको ऐसे करना है। पर भक्त ऐसा नहीं, चिंता ना करने का मतलब, भक्त का मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाओ, पड़े हुए हैं महाराज, अब जो होगा सो ठाकुर जी कर लेंगे, ऐसा नहीं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहना, अपने कर्म का निर्वहन करना है, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी, अपने कर्म का निर्वहन करते रहो, अच्छा होगा कि बुरा होगा वो चिंता छोड़ता है इसका। आप क्योंकि कई लोग कथा का अर्थ गलत लगा देते हैं, महाराज जी आप कह रहे थे ना चिंता निवृत्त हो जाओ, इसका मतलब ठीक है कल से जॉब पे 8 बजे की जगह 10 बजे जाएंगे, क्या चिंता, बॉस सुनाएगा ही तो सही, चिंता नहीं होनी चाहिए, हम तो भक्त हैं। नहीं, कर्म का निर्वहन तो पूर्णता करे, पर उसके फल पर कोई चिंता ना करे, उसकी कोई चिंता नहीं। भगवान ने पूरी गीता में अर्जुन को यही समझाया। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, इतने खास, इतना खास हमारा कोई हो जाए, इतना खास तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा कोई सामान्य सा कोई व्यक्ति जो ऊंची पदवी पर, वो भी हमारा खास हो जाए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, जे काम करवा दे भैया हमारा, जे काम करवा दे, ये काम निकलवा दे, यहां से ऐसे करवा दो, वहां से हमारी ये प्रॉपर्टी का जे करवा दो। अर्जुन भगवान का इतना खास कि ठाकुर जी उसके सारथी बन गए, जगत नियंता, जगदाधार, तीनों लोकों के स्वामी अर्जुन के साथ खड़े हैं। अर्जुन चाहता तो भगवान से कहते, ठाकुर जी महाभारत का युद्ध जिता दो मुझको, आप तो भगवान हो, आप तो जो सोचते हो जाता है, आप जिता दीजिए मुझको, आपकी पलक झपकते ही कौरव सारे मर जाएं और मैं जीत जाऊं, क्या भगवान के लिए ये दुविधाजनक है क्या, क्या भगवान के लिए बहुत मेहनत वाला काम है क्या? नहीं, ठाकुर जी एक पलक झपकेंगे और उतने में ही कौरव सब खत्म। पर भगवान ने अर्जुन को आलसी नहीं बनाया। पूरी गीता में कितनी बार भगवान कहते हैं युद्ध च युद्ध च युद्ध च, युद्ध कर युद्ध कर। कई बार परिस्थिति ऐसी होती थी, अब क्या करूं अब क्या करूं, हाथ पांव कांपते थे, भगवान कहते कांपा मत कर, बुद्धि लगा, युद्ध कर, निकाल अपना धनुष बाण, लग जा, मैंने तुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का मनन चिंतन करता रहा कर अर्जुन। और सबसे पहली बात, सबसे विशेष बात, तुझे जीतना है इस भाव से युद्ध मत कर, तुझे अपना कर्म करना है। बंधु ये फिलॉसफी हम समझ नहीं पाते। हां वो बात ठीक है कि हर व्यक्ति कर्म जीतने के लिए ही कर रहा है, पर जीत मिलना ना मिलना ये ठाकुर जी के हाथ में, वो देंगे कि नहीं, आप क्यों सोच लेते हो पहले से ही, उसका विचार मत करो, बस अपना कर्म करो। आपका कर्म यदि साफल्य होगा, कर्म यदि श्रेष्ठ होगा, तो फल श्रेष्ठ मिलेगा। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया, बोले तू हारेगा कि जीतेगा इसका विचार मत कर अर्जुन, बस तू अपना युद्ध कर। अब
बिना जीतने हारने की भावना से, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। फल देने का अधिकार मेरा है, और वो मैं अब दूं कि 10 वर्ष बाद दूं कि 50 साल बाद दूं कि अगले जन्म में दूं, वो मेरी मेरे हाथ में। इसलिए तुम पहले से सोच के दुखी मत हो। कई बार ऐसा होता है, आप अभी अच्छा कर रहे हो और उसके बाद भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो। फिर लोग आते हैं, महाराज जी हम तो बहुत अच्छा करते हैं, सबके साथ बढ़िया करते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे अच्छे का फल कब मिलेगा? वो ठाकुर जी के हाथ में। ठाकुर जी चाहें तो अगले जन्म में भी दे सकते हैं। कई बार हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, महानिकृष्ट, सारे गलत काम करते हैं फिर भी इतने सुखी हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म भोग रहे हैं अपना। इसलिए भैया व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि कर्म पहले विचार कर ले, फल पहले ही विचार कर ले। कर्म अभी किया नहीं है, आज लेटर आ गया कि तुम्हारी जॉब लग गई, बस लेटर देखते ही नेत्र बंद हो जाते हैं। आहा, कल से सुबह जाऊंगा, जॉब करूंगा, 1 महीने की पहली कमाई आएगी, इतना माँ को दे दूंगा, इतना पिताजी को, इतना अपने पास रखू, फिर मित्रों को पार्टी दूंगा, फिर थोड़ा और 6 महीने तक बढ़िया काम करूंगा, 6 महीने बाद फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वो जो इकट्ठा करूंगा ना उससे फिर मैं एक घर बना लूंगा, फिर घर घर में रहेंगे, फिर हम वहाँ उस वाली कॉलोनी में रहा करेंगे, वहां पर बढ़िया घर। अभी जॉब पे गया भी नहीं है, वो घर भी बन गया उसका, उसमें ये वाला गीजर लगवाऊंगा, ऐसा वाला एसी लगवाऊंगा, माँ इतना बड़ा वाला टीवी, उसमें बैठ के बढ़िया अपना तुम सीरियल देखा करना, फिर मेरी और प्रमोशन बढ़िया हो जाएगा, फिर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा, फिर मैं अपना बिजनेस लगाऊंगा, इतना पैसा मुझ पे आ जाएगा, कुछ पिताजी दे देंगे, फिर वहाँ बिजनेस लग जाएगा मेरा वहाँ पे, फिर वो मेरा एक दोस्त है रोता रहता है, मुझे कुछ करवा दो, उसको मैं पार्टनर बना लूंगा अपने साथ, उसके साथ बैठ के फिर बढ़िया बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके पूरे गुना पे हमारा वर्चस्व होगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे हमारे बिजनेस के। फिर एक व्यक्ति मुझसे रीज करके अपनी बेटी का मुझसे ब्याह करा देगा, उससे ब्याह कर लूंगा, डिमांड होगी मेरी सुंदर होनी चाहिए, ये गाड़ी मिलनी चाहिए, फिर गाड़ी आ जाएगी, ब्याह कर लूंगा, फिर मेरे 3-4 बच्चे हो जाएंगे, उन बच्चों को मैं ग्वालियर पढ़ाने ले जाऊंगा, बेटी हुई तो उसको इंदौर पढ़ाऊंगा, वहां पर साहब अभी जॉब कल से लगनी है, उसकी 6 घंटे बचे हैं अभी जॉब पे जाने हैं। पहले ही सोच लिया उसने, और विश्वास मानिए जैसे ही आपने ये सारी बातें सोची, फिर ठाकुर जी पासा करते हैं, अच्छा ये लो जितना सोचा सब धराशाही, तुम्हारा अधिकार फल पर नहीं है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, तुम उस पर ध्यान दो, फल देने का मेरे ऊपर छोड़ो, मुझसे ज्यादा अच्छा जानता है क्या कोई कि तुमको कब किस वस्तु की आवश्यकता है? हम जैसा विश्वास मानिएगा बंधुओं, हम जैसा चाहें वैसा जीवन यदि बन गया ना, हम ही राक्षस हो जाएंगे। वास्तव में हम लोग मानव इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमको मिलता नहीं है। रावण का निर्माण क्यों हो गया? क्योंकि वो जो चाहता था मिल जाता था उसको। और एक बात और, अगर यहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा वो जो चाहता है उसको मिल जाता है, समझ जाओ कहीं तुम्हारा राक्षसत्व ना हो जाए। चाहने पर वस्तु का ना मिलना ये भगवान की कृपा है। ठाकुर जी तुम पर दृष्टि, अब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहां कितने सारे बच्चे हैं, इन बच्चों की चाह यदि माता पिता पूरी करने लग जाएं क्या होगा? बिगड़ जाएंगे बालक। बच्चा तो हर वो वस्तु चाहता है, ये खिलौना दिला दो, ये पिला दो, ये खिला दो, मेले में ये करवा लाओ, और ऐसे बच्चों को माता पिता उनसे और बचा के रखते हैं जो उनको बात बात पर उनकी बात पूरी कर, जैसे मामा कभी कभी आता है बच्चों के पास, उनको ले जाएगा गोद में भर के, दुकान से दिला लाएगा, तो माँ डांटती है, अरे तू क्यों ले जाता, उसको डॉक्टर ने मना किया, ये सब खाना पीना ठीक नहीं है उसके लिए। बच्चों की इच्छा पूर्ति यदि बहुत होती है तो निश्चित है बच्चे बिगड़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर हम मानवों की इच्छाएं बहुत पूरी हो रही हैं
तो निश्चित है कि हमारे भीतर रावण प्रकट हो चुका है और उसका निर्माण ठाकुर जी करवा रहे हैं। लेकिन आप कुछ विचार करते हो और वो पूर्ण नहीं होता है तो मुस्कुराइए, ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर। अपना अधिकार बंधुओं, अपन लोग केवल कर्म तक ही सीमित हैं, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। मुझे सत्य बता रहे हैं आज व्यासपीठ पर बैठ के, आज हमको 8 वर्ष हो जाएंगे जुलाई में कथा करते हुए, बहुत करीब 10-12 वर्ष पुरानी बात है। किसी एक व्यक्ति ने, वो रेखा पढ़ना जानते थे माथे की, उसने माथे की रेखा देख करके हमसे कहा कि आप जीवन में कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। बोले आप कभी जीवन में व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। आज 8 साल हो गए कथा करते हुए, व्यासपीठ पर बैठे भी हैं, कथा भी कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं और खूब कथा हो रही है। अब वो रेखा पढ़ने वाले पंडित जी आते तो ऐसे ही आते, मैंने कहा कहाँ गए भैया, कथा चल रही है खूब, क्या करोगे अब। पहले से ही फल का विचार मत कीजिए बंधुओं, आप अपना कर्म सुदृढ़ रखो। कर्म में इतना बल है, इतना बल है कि वो आपके पूर्व नियोजित, आपके ग्रह नक्षत्र जो बिगड़े होंगे उनको भी सही कर दे। शनि की 7.5 किसी ने बता दी कि शनि की 7.5 जीवन में आ गई, आप उसी दिन शुद्ध हो जाइए, अपने कर्म के प्रति सजग हो जाइए। जो 7.5 वर्ष भयावह होने होते हैं ना, उसी 7.5 वर्ष में व्यक्ति यदि शुद्धता, पवित्रता, बुद्धि, मन की सब कुछ बिल्कुल पवित्र कर ले और कर्म का निर्वहन करे तो वही 7.5 साल में कुछ बन जाएगा। ये ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं ना, इनको परास्त करने की सामर्थ्य केवल 2 वस्तुओं में, एक तो भगवान नाम और दूसरा आपका कर्म। ये दोनों ग्रह नक्षत्रों को बदल करके रख सकते हैं। इसलिए भैया भयभीत मत हो। आध्यात्मिक भक्ति पथिक व्यक्ति का लक्षण है कि वो कभी भयभीत नहीं होता, सदा निर्भीक रहता है, निर्भय। और श्रीमद् भागवत यही करती है। श्रवण जब आप 7 दिन अनवरत करते हैं तो 7 दिन के भीतर निर्भीकता जीवन में आती है, भय नष्ट हो जाता है चित्त में से। थोड़ी दूर यहां से जाएंगे तो ओरछा आता है। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है, वह ओरछा के राजा का नाम था मधुकर शाह जी। ऐसा भक्त राजा भारत में देखने में नहीं मिलेगा आपको। वे राजा भी थे और ठाकुर जी के परम भक्त श्री मधुकर शाह जी। तो मधुकर शाह राजा अपने माथे पर तिलक लगाते थे, ब्रज की रज लगाते थे। अकबर ने एक बार उनको बुलाया कि आप दिल्ली पधारो, तो दिल्ली गए। तो दिल्ली में अकबर ने जैसे ही उनके माथे पर तिलक देखा तो अकबर ने घोषणा कर दी, कल बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, मेरे दुनिया भर के